क्लास 11 माइनर स्टूडेंट्स, उस दिन भी मैंने आपके साथ ये नीड टू चैप्टर 1 में वाइल्ड स्टेरियर का लेसन शुरू किया था। उसमें ऐसे ही बताया था कि वहाँ पे जो जंगली जानवर होता है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है और वो लोग अपने बच्चों से भी कैसे प्यार करते हैं। तो अभी पेज नंबर 6 पे कंटिन्यू करते हैं। देन व्हाट हैपेंड आस्क नीलम। तो नीलम जिज्ञासा पूर्वक उससे पूछती है, अंकल से रह लाइक एट क्लोज टू द ग्राउंड एंड माय बेबी आई वाज वरीड दैट द मदर वाज अराउंड एंड सून आई वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। मैं तो चुका पर एकदम से अजीब बात हुई। ऑल ऑफ अ सडन अ ह्यूज ब्लैक बियर केम क्राउडिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड रश टुवर्ड्स द गर्ल्स। एक बहुत बड़ा मोटा काला भालू से निकला पेड़ों के बीच में से और वो जो बच्चे थे ना चीते के लेपर्ड के उनके पास जाने लगा। आई वाज वरीड मोर अबाउट द कब्स देन मी क्राउडिंग फ्रॉम ट्रीज। विद इन नो टाइम आई हर्ड अ डेफनिंग रोर ऑफ एंगर फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी। थोड़े ही सेकंड में मैंने देखा बिना मत लिए वो मेरी तरफ भी दौड़ने लगा। टू माय हॉरर एंड सरप्राइज अ बिग वाइट कैट द मदर लेपर्ड अपीयर जंपिंग डाउन ऑन नियर बाय यूजा। परंतु वो जो कब्स की मम्मी थी लेपर्ड वो एकदम दूसरे बाजू से आकर बीच पे कूदी। अपने बच्चे हर किसी को प्यार होते हैं तो उनको बचाने के लिए दौड़ी। हश एक्सक्लेम्ड अर्जुन। अर्जुन ने बुलाने की इतनी बड़ी आवाज हुई कि हाउ हॉरिफाइड आस्क्ड नीलम। नीलम की पूछने की कितनी खतरनाक लड़ाई हुई होगी। कीप क्वाइट सैड मदर द पेशेंट। उनकी मम्मी ने बेसब्री से कहा चुप करो हमको बात सुनने तो दो ना अंकल क्या बता रहे हैं। व्हाट हैपेंड देयर फिर क्या हुआ। थैंक गॉड आई वाज लकी फॉर हर आईज दैट फिच ऑन हर कैप। वो बेचारी उनकी मम्मी थी एकदम उसके आंखें बच्चों पर केंद्रित हुई। एंड शी डिडंट इट टुक अ फ्रेंड मी विद इन मेमोरीज द मदर लेपर्ड लीव डाउन द कब्स टू प्रोटेक्ट देम स्प्रिंगिंग अप इन द एयर। She landed straight on the fair fancy and fire sea. Two years lost his balance. वो बिंको पर कह दी दोनों का संतुलन गुम हो गया। दोनों एक दूसरे को मारने तोड़ने को दौड़े। While these eight ध्रुव खद हिंसक जंगली जानवर एक दूसरे के ऊपर कूदे went rolling down the steep away slow slide dumping on each other। और वहाँ पे नीचे स्लोप भी था। दोनों ऐसे गोल गोल ऐसे लड़ते गए गिरते गए। All day landed in the narrow valley with a loud thump और जोर से धड़ाम की आवाज से नीचे जाके पानी में गिरे। I craned my neck and so did two frightened cubs। मैंने भी थोड़ा सुखकर सांस लिया और चार बच्चे भी सुरक्षित महसूस करके शांत हो गए। उनको एकदम दिमाग में शांति हो गई। अली भाई कंटिन्यूड। फिर आगे अली भाई ने बताया the huge band three times the size of the mother leopard stood up on his hind legs। फिर वो अपने आगे पैरों पे खड़ी हो गई। उनकी मम्मी stretched out his leg was strong sharp nails। उसने अपने चंपे आगे किए उसके इतने तीखे तीखे नेल थे। he showed his teeth and ground दांत दिखाने लगी चिल्लाने लगी घड़घड़ाने लगी। the mother snow leopard looked at him for a few seconds snarled and then kneeled down on the black monster। फिर जाके उस काले राक्षस के ऊपर जाके कूदी उसको चंबे मारे। द होल वैली इकोड द साउंड ऑफ देयर फायर। पूरी वहाँ पे जो इलाके में था ना उनके आवाज़ के इको से जो परिंदे आते हैं वैसी आवाज आने लगी। शांति होनी थी लड़ाई कर रहे थे। द स्नो लेपर्ड जंप डाउन फ्रॉम साइड टू साइड टियरिंग अवे बिग पीसेस ऑफ ब्लैक फर स्किन ऑफ बेयर। बेयर के तो ऐसे मार के काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे द भुल्के एंड स्नो बेयर फेल्ड टू इंजर हिज एनिमी। अब अपने दुश्मन को हरा नहीं सकता था। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स। ये लड़ाई कम से कम वो 10 मिनट तक लड़ी। द बेयर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर। उसके पूरे चारों शरीर से खून बह रहा था। खून से वो लथपथ हो गया। उसने ऐसे उसके अपने पंजे मारे। व्हेन एवर द लेपर्ड अटैक द बेयर लिफ्टेड द हिज ह्यूज पॉज टू कैरियर हिज फेयर। जब भी वो लेपर्ड उसके ऊपर झपटा मारे वो अपनी शक्ल छुपाने को जाए कहीं मुंह में नहीं मारते।
The bear was now trying to escape to save his life. अब तो भालू को भी अपनी जिंदगी खतरे में लगने लगी. वो खुद को बचाने की सोच रहा था. They moved further and further till disappeared round the huge mountains. और वो पहाड़ों के पीछे छुप गया. You must have felt very relieved, asked Neelam. नीलम ने बोला, फिर आपको तो बहुत आराम महसूस हुआ होगा, शांति लगी होगी. Quite, I stayed in that position for more than that and watched the family disappearing in the woods. और मेरे को भी शांति हुई और उनकी फैमिली भी, जो उनकी मम्मी थी और बिल्ली थी जंगली, उसके बच्चे शांति से उनका परिवार अपने जंगल में घूमने लगा, छुपने लगा. Waving their tails, अपने पूंछ हिला रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारी मम्मी ने हमको बचा दिया. I also waved my hand and said goodbye. मैंने भी अपना हाथ हिलाया और उनको अलविदा कही. But what happened to the bear? Asked Arjun eagerly. फिर अर्जुन को बहुत जिज्ञासा, उसने बोला, अली भाई उसका क्या हुआ, भालू कहाँ गया? Good God knows, भगवान जाने कहाँ गया. All I know is that the coming of the bear, एक ही बात मैं तो कहूँगा, भालू का आना was a blessing for me, मेरे लिए जैसे एक वरदान साबित हुआ. Because it really saved me. इसकी वजह से मैं बच गया. I thank God for saving the cubs and I need to. मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं भी बच गया और उनकी फैमिली, बच्चे और उनकी मम्मी ने उनको बचा.